हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मेरा नाम है वरुण और हम बात कर रहे हैं इतिहास की। बहुत सारे हमने प्राचीन भारतीय इतिहास की बात कर ली, अब कुछ तथ्य हैं प्रमुख प्रमुख, उनकी हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिंधु सभ्यता की, जो विशिष्ट विशिष्ट जानकारी, प्रमुख जानकारी उसकी। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं भैया जल्दी से। देखो यार, यहाँ पे तो एक जो भारतवर्ष के अलग अलग नाम मिलते हैं मत्स्य पुराण में, जो जानकारी मिलती है अलग अलग भारतवर्ष में उस समय कौन कौन से राज्य हुआ कर रहे थे। सो मत्स्य पुराण के अनुसार एक इंद्रदीप हुआ कर रहा था, एक कसेरु हुआ कर रहा था द्वीप जहां पे लोग बग रह रहे थे। अलग अलग नाम है ये राज्यों के, ताम्रपर्णी के अलावा गवस्तीमान, नागद्वीप हुआ कर रहा था एक, नागद्वीप के अलावा एक सौम्य द्वीप हुआ कर रहा था, गंधर्व देश भी हुआ कर रहा था, गंधर्व के अलावा वारुण देश भी हुआ कर रहा था, और फाइनली सागर के आसपास जो है सागर से गिरा भारत जो हुआ कर रहा था। तो ऐसे नौ प्रकार से भारत के भेद उन्होंने किए हुए, यानी भारत को बांटा है नौ भागों में। किसने? मत्स्य पुराण के अनुसार भारत नौ भागों में बटा हुआ था, और ये सारे के सारे नौ भाग यानी नौ राज्यों को हमने यहाँ पे देख लिया। आगे हम देख लेते हैं, हमने वैसे बात तो करी थी सिंधु घाटी सभ्यता की, लेकिन वो चीज थी छोटी सी, तो मैंने कहा इसी में ऐड कर देता हूं। सिंधु सभ्यता की विशिष्ट जानकारी हम यहाँ पे देखने वाले हैं। देखो भैया, बहुत सारे जो स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता के, और हमने सिंधु घाटी वाले वीडियो में देख भी थे कि लगभग 1500 से ज्यादा हमने स्थलों की खोज करी हुई है सिंधु घाटी सभ्यता की, ठीक है। लेकिन प्रमुख प्रमुख ही हम देख रहे हैं, सारे देखेंगे तो बहुत ज्यादा वो हो जाएगा, ठीक है। सो प्रमुख स्थलों को हम देख रहे हैं, उनके खुदाई काल मतलब कब उसको ढूंढा गया, खोजा गया, ठीक है। किस व्यक्ति विशेष ने, पुरातत्वविद ने उसको खोजा, किस नदी के आसपास उसकी लोकेशन मानी जाती है, और जो आज प्रेजेंट कंडीशन है, वर्तमान में क्या लोकेशन है, उसकी हम बात करने वाले हैं। तो भैया आप देख रहे हैं सबसे पहले, क्योंकि शुरुआत इसी से हुई थी हड़प्पा, और हड़प्पा सभ्यता भी इसीलिए कहा जाता है सिंधु घाटी सभ्यता को। 1921 में इसकी खोज की गई थी, और दयाराम साहनी, राय बहादुर की उपाधि भी दी गई थी इनको, राय बहादुर दयाराम साहनी कहला रहे। तो इन्होंने इसकी खोज करी थी रावी नदी के आसपास, ये सिचुएटेड है हड़प्पा, और आज मुल्तान जो पाकिस्तान में पड़ता है वहां पे ये लोकेटेड माना जाता है। मोहन जोदड़ो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, मोहन जोदड़ो एक साल बाद 1922 में इसकी खोज करी गई थी राखलदास बनर्जी के द्वारा। किसके द्वारा? राखलदास बनर्जी के द्वारा। सिंधु नदी के पूर्वी किनारे पर ये बसा हुआ प्रदेश हुआ करता था, वर्तमान में लरकाना जिला है सिंध पाकिस्तान में, तो वहां इसकी ये लोकेशन मानी जाती है। कालीबंगन भी कहलाता है, याद रखिएगा। 1953 से 56 के आसपास इसकी खोज करी गई थी, ब्रजवासी लाल साहब है, बीबी लाल जिनको कहा जाता है, उन्होंने इसको खोज करी थी। सरस्वती नदी के किनारे ये सभ्यता मानी जाती है गुजरात के आसपास, गुजरात नहीं, राजस्थान के आसपास, गंगानगर जो है जिला, वहां पे ये लोकेशन आजकल पड़ती है। चनहूदड़ो, क्या नाम भैया? चनहूदड़ो 1931 में खोजी गई साइट थी, और ये मजूमदार साहब जो हैं, एमसी मजूमदार, इन्होंने इसको खोजा था। सिंधु नदी के किनारे पे पड़ता है चनहूदड़ो, सिंध पाकिस्तान, ये इसकी करंट लोकेशन आज की मानी जाती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे लोथल की। किसकी बात करेंगे? लोथल 1957 में खोजा गया था, बहुत इंपॉर्टेंट है, रंगनाथ राव साहब ने इसको खोजा था, और भोगबा नदी के किनारे ये सिचुएटेड माना जाता है, गुजरात में इसकी लोकेशन पड़ती है गांधीनगर के आसपास। सुत कोगदा, क्या भैया? सुत कोटदा 1959 की ये खोज हुई थी इस समय में, सुत कोगदा की, जगतपति जी ने इसको खोजा था। साबरमती नदी के आसपास, भोगबा नदी और साबरमती नदी के बीच में ये लोकेशन पड़ती थी, कच्छ गुजरात की ये लोकेशन मानी जाती है सुत कोगदा। रंगपुर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लोथल के निकट में ही ये साइट मिली थी, 1954 में खोजा गया था इन्हीं रंगनाथ राव के द्वारा यहाँ पे भी, ठीक है। और इसी समय भादर नदी, कई जगह माहर नदी, अलग अलग नाम मिल जाते हैं, अहमदाबाद गुजरात में ये लोकेशन पड़ती है। नेक्स्ट है बनावली, बनवाली, ये अलग अलग नाम मिलते हैं, लेकिन यही है वो साइट। 1973-74 में ये खोजी गई थी रविंद्र सिंह विस्ट के द्वारा, आरएस विस्ट साहब, और गग्गर जो है सरस्वती की सहायक नदी मानी जाती है, उसके किनारे ये जो नदी मतलब साइट है ये
मिली है उसी जगह पे बसी हुई थी। हिसार हरियाणा इसकी लोकेशन आज की मानी जाती है। सुतका गिंडोर, सुतका गिंडोर ऐसा कहा जाता है, ये जो पूर्वी बाउंड्री है किसकी, सिंधु घाटी सभ्यता की, वो है। 1962 में इसकी खोज करी गई थी, जॉर्ज डेल्स ने इसको खोजा था। दास्क रिवर का नाम है, दास्क भी बोलते हैं पूर्वी किनारे पर दास्क रिवर के, और हरियाणा नहीं है ये, बलूचिस्तान पाकिस्तान इसकी लोकेशन है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत परेशानी? चले, तो मुझे लगता है इतनी ही साइट्स हैं ये सिंधु घाटी सभ्यता की, और यही था अपना इसमें। आगे सिंधु घाटी सभ्यता में हमने कहा था विदेशी व्यापार भी हो रहा है, जिसमें हमने डिस्कस किया था, तो कुछ आयातित वस्तुएं हैं जहां से मंगाई जाती थी, मतलब भारत में सिंधु घाटी सभ्यता में ये लोग लेते थे, कहां से लेते थे, क्या क्या लेते थे। तो आयातित वस्तुओं में एक तो सोना है सर्वप्रमुख, क्योंकि भाई ये बहुत ही अच्छी धातु मानी जाती है, चमकदार धातु है सारी। फारस ईरान से, अफगानिस्तान और कर्नाटका में हमें पता ही है वो KGF जिसको बोलते हैं हम, है ना, कोलार गोल्ड फील्ड, वहां से। चांदी, चांदी की बात करें तो अफगानिस्तान, फारस, फारस मतलब ईरान को पहले फारस कहा जाता था, तो वही चीज है। नेक्स्ट तांबा, तांबा की बात करेंगे तो बलूचिस्तान पाकिस्तान में मिल जाता था, इसके अलावा खेतड़ी राजस्थान में हुआ करता था। तो भैया ये इसके अलावा सीमा नहीं है, सीसा है, क्या है, सीसा, ठीक है। सो सीसा जो है वो दक्षिणी भारत में मिल जाता था, अफगानिस्तान ईरान और राजस्थान, ये सारी लोकेशंस थी जहां से ये स्थान लिखना था, इधर स्वत लिखा हुआ है, कई बार गलत हो जाता है, टाइपिंग मिस्टेक्स हो जाती है, ठीक है। टिन, टिन की बात करें तो टिन अफगानिस्तान और ईरान, इराक वाला इलाका, मध्य एशिया जिसको बोल रहे थे फिलहाल, वहां से ये आयातित की जाने वाली वस्तुएं सिंधु सभ्यता में हुआ करती थी। और इसके अलावा गोमेद, गोमेद ये पत्थर हुआ करता था, चमकीला पत्थर जो आभूषणों के लिए प्रयोग किया जाता था। सौराष्ट्र से ये स्थान लिखना है अगेन यहां पर, ठीक है, किस जगह से मिल रही है, ठीक है। फिरोजा, फिरोजा भी ये चमकदार पत्थर हुआ करता है भाई, आपको पता होगा, ईरान से ये आयातित किया जाता था, मंगाया जाता था। लाजवर्द मणि भी अगेन वही आभूषणों में प्रयोग किया जाने वाला चमकदार पत्थर जो है, मेसोपोटामिया से इसको आयातित किया जाता था, और ये जो है ये जो मणि ये महाराष्ट्र से मिल जाती थी। मतलब वही सारे चमकदार पत्थर, या तो धातु है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, दूसरा ये तो आभूषण के लिए सारी चीजें। तो ये सारी आयातित चीजें थी विदेशी व्यापार जो सिंधु घाटी सभ्यता में हो रहा था, उसकी हमने बात यहाँ पे कर ली, और सिंधु घाटी सभ्यता की हमने स्थलों की भी बात कर ली। तो ये प्रमुख प्रमुख विशिष्ट तत्व जो पूछ लिए जाते हैं उसकी बात। नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही प्रमुख तथ्यों के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।